जी, अगर मैं उगते हुए सूरज के देश जापान को साकुरा का देश कहूँगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक या दो हफ्तों के लिए जापान की धरती पे छठा विक्रेता ये साकुरा जापान के स्टूडेंट और एम्प्लॉय के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करता है, और उसके बाद बर्फ़ की तरह ज़मीन पर कलियों से लेकर पंखुड़ियों तक झड़ जाता है। तो ये बसंत है जापान में। जी नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट। तो शुरुआत करते हैं आज की ब्लॉग की यहीं से। इस समय शाम की बजे 5 और आज टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस पे। काफ़ी सुहाना सा मौसम बना हुआ है। इस समय सनसेट भी हो रहा है जापान में। तो जो इस समय जो साकुरा का जो सीज़न होता है ना जापान में, वो काफ़ी सुहावना होता है। और ये जापान की धरती पे जैसे उसको बोलते हैं ना कि चार चांद लगाने उतर जाता है। तो आज बात करेंगे हम इसी साकुरा के बारे में। वैसे आप लोगों ने कई वीडियो देखी होगी, पर सोचा मैं भी आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की ब्लॉग की यहीं से। तो साकुरा, जिसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, ये 7वीं शताब्दी में चाइना से जापान लाया गया था। और तब ये सिर्फ मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे समुराई वर्ग जो जापान का था उससे जुड़ गया। तो उन्होंने अपने पैसों के और अपनी रुतबे को बढ़ाने के लिए इन साकुरा के ट्री के नीचे अपनी वो करते थे, हनामी की पार्टियाँ मनाते थे। और फिर ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच ये जापान में इतना पॉपुलर हो गया कि फिर गवर्नमेंट ने इसको सार्वजनिक स्थलों पे इन पेड़ों को लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये परंपराएं आज तक भी निभाई जा रही है। जो लोग हनामी के असली भक्त होते हैं, वो इनके नीचे बैठ के ही अपने पार्टी हो गई या कलीग्स हो गई या फैमिली पर्सन हो गए, उनके साथ बैठ के ही आज की डेट में हनामी का लुत्फ़ उठाते हैं। इवन दो साकुरा जापान का नेशनल ट्री न होने के बावजूद, फिर भी 1959 से साकुरा की जो छवि होती है फूलों की, आज भी जापान की 100 येन के पीछे आप देख सकते हैं। और ये अब आप इधर से लगा दो कि ये क्या अहमियत है साकुरा की जापान में।
तो इसमें साकुरा के कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो मतलब ओसाकी जो जापनीज की दारू होती है, तो उसमें पेड़ों के नीचे जब बैठते हैं तो जब तक उसमें ऊपर से कोई पंखुड़ी न गिरे तब तक उस ड्रिंक को पीते नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना ये भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।